हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरभी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में ब्रांड एम्बेसडरों के संबंध में। कई योजनाएं, अभियान और संस्थाएं हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, आपको पता है, तो उनके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें करंट अफेयर आता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा ये। और इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 देने वाले हैं, उनके लिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो ट्रिक के साथ। देखिए, मैं हर क्वेश्चन में आपको लगभग ट्रिक बताऊँगा आप, जिससे जो है याद कर सकते हैं योजना, अभियान और संस्थाओं के ब्रांड एम्बेसडरों को। तो पहला प्रश्न हमारा, पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी। ऑप्शन इसका बी सही है। देखिएगा, अमिताभ बच्चन जी से संबंधित जितने भी अभियान, योजनाएं और संस्थाएं हैं उनके बारे में हम लोग एक लाइन में जो है याद कर सकते हैं। देखिए, मैंने लाइन लिखी हुई है अमिताभ बच्चन जी के संबंध में, मतलब वो किन किन अभियानों और योजनाओं के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उसको याद करने के लिए मैंने ये लाइन लिखी हुई है। और आप इस लाइन को कम से कम 5 या 6 बार कॉपी पर लिखिएगा और जितने भी मैं वीडियो दे रहा हूँ आप नोट्स बनाते चलिए। तो देखिए, मैंने लिखा हुआ है अमिताभ बच्चन की एजुकेट गर्ल्स को पल्स पोलियो और हेपेटाइटिस बी हो गया, जिससे उसने GST और स्वच्छ भारत अभियान के लिए दरवाज़ा बंद कर लिया और DD किसान चैनल घर में देखने लगी। तो देखिए, जितने भी मार्क किए हुए शब्द हैं, जैसे एजुकेटेड गर्ल्स है, पल्स पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, GST है, स्वच्छ भारत अभियान है, दरवाज़ा बंद है और DD किसान चैनल है, इन सभी वर्डों से संबंधित या इन सभी अभियानों से संबंधित जो है वो अमिताभ बच्चन जी हैं। जैसे एजुकेटेड गर्ल्स अभियान है, पल्स पोलियो अभियान है, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन अभियान है, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, स्वच्छ भारत अभियान है, दरवाज़ा बंद अभियान है, डीडी किसान चैनल, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है हमारे अमिताभ बच्चन जी। जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन की एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसे कहते हैं एजुकेट गर्ल, मान लीजिए, और देखिए उसको जो है पल्स पोलियो, मतलब पोलियो हो जाता है और हेपेटाइटिस भी हो जाता है, जिसके कारण वो गुस्सा हो जाती है और GST और स्वच्छता अभियान के लिए अपना घर का जो दरवाज़ा है वो बंद कर लेती है और घर में वो DD किसान चैनल देखने लगती है। तो इस तरीके से आपके जो है कम से कम 7 अभियान और संस्थाएं हैं जिनसे अमिताभ बच्चन रिलेट हैं, याद हो जाएंगे, जैसे एजुकेटेड गर्ल्स, पल्स पोलियो अभियान, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्वच्छ भारत अभियान, दरवाज़ा बंद अभियान और डीडी किसान चैनल, इसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं। तो आप इसको उस लाइन से याद कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की एजुकेटेड गर्ल को पोलियो और हेपेटाइटिस बी हो गया, जिससे उसने GST और स्वच्छ भारत अभियान के लिए अपना घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और घर में डीडी किसान चैनल देखने लगी। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ हो तो आप इसे 1-2 बार लिख कर याद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं जॉन अब्राहम, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में अरुणा जो है एक लड़की का नाम है और चल को हम लोग अलग कर लेते हैं, तो जॉन अब्राहम के साथ अरुणा चली गई, जॉन अब्राहम के साथ अरुणा चली गई, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं AR रहमान जी। ऑप्शन पहला सही है इसका। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? रहमान ने कम आर को कार चलाई कह सकते हैं, रहमान ने कम कार चलाई, रहमान ने कम कार चलाई, सिक्किम का मैंने कम ले लिया। और जैसे ही सिक्किम आता है, कम आए, कम जैसे शब्द आता है, तो आपको याद रखना है कि रहमान जी जो हैं इसमें ब्रांड एम्बेसडर होंगे, तो सिक्किम की ब्रांड एम्बेसडर है रहमान, AR रहमान जी। अगला बहुत ही अच्छा है, तेलंगाना राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं सानिया मिर्जा और महेश बाबू।
तो देखिए थोड़ा सा मजाक वाला है, आप लोग बुरा मत मानिएगा तो मैं आपको बता दूं, तो मैं बता देता हूं, खैर छोड़िए सभी बातों को। देखिए महेश बाबू ने सानिया मिर्जा के लिए तेल लगाने वाला गाना गाया। महेश बाबू ने सानिया मिर्जा के लिए तेल लगाने वाला गाना गाया, तेलंगाना, तेल लगाने वाला गाना। मैंने इसको इससे रिलेट किया है, और बुरा मत मानिएगा क्योंकि याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक मैं दे सकता हूँ, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको भी। तो अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं अक्षय कुमार जी, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। यूपी में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर भी अक्षय कुमार जी हैं। अगला है, स्वच्छता ही सेवा है का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं बिलाल डार जी। देखिए बिलाल तो ऐसे ही रखिए, डार जो है उसको डाल, पेड़ की डाल जिसे कहते हैं, उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। तो बिलाल की सेवा से डाल जो है स्वच्छ हो गई, बिलाल की सेवा से डाल स्वच्छ हो गई, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला है, स्वच्छ आंध्र मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है पीवी सिंधु हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए पीवीएस को जो है पीवीसी मान लीजिए, पीवीसी पाइप लगाकर आंध्र जो है वो स्वच्छ हो गया, आंध्र जो है वो स्वच्छ हो गया, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। पीवीसी पाइप लगाकर आंध्र स्वच्छ हो गया। अगला प्रश्न है, माँ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं आपकी माधुरी दीक्षित, इसलिए इसका ऑप्शन आपका ए सही है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको याद कर सकते हैं, माधुरी दीक्षित जो है वो माँ के समान है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, असम राज्य पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं प्रियंका चोपड़ा जी, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा इसमें भी आपको मज़ा आएगा, कि असम के राजा ने प्रियंका चोपड़ा को पटा लिया, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं दिया मिर्जा, ऑप्शन ए सही है। देखिए दिया जो है उसको दीपक कह लीजिए या उसको दिया ही मान लीजिए जो जलाया जाता है, और हमें पता है कि जो वन्य जीव या जो जीव जंतु होते हैं वो दीपक जब जलता है तो वो डरते हैं, इसीलिए कह सकते हैं वन्य जीव जो है वो संबंधित है दिया मिर्जा से। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इससे संबंधित है माधुरी दीक्षित, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगर नॉर्मल रूप से यही आता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यह माधुरी दीक्षित, लेकिन अगर पूछे हरियाणा सरकार में, हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है, तो वो है साक्षी मलिक। अगर हरियाणा सरकार की बात की जाए और तेलंगाना सरकार की बात की जाए तो है रकुल प्रीत सिंह जो है वो तेलंगाना राज्य की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला प्रश्न है, अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं नरेंद्र मोदी जी, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका ए सही है, मोदी जी का अतुल्य भारत, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्वच्छ साथी कार्यक्रम अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं दिया मिर्जा जी, ऑप्शन सी सही है इसका। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, दिया मिर्जा का साथी स्वच्छ है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है विद्या बालन जी, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, विद्या के बाल जो हैं बहुत निर्मल हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए थोड़े से वर्ड से आप कनेक्ट करके अपना उत्तर दे सकते हैं कोई भी एग्जाम हो। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है पीवी सिंधु जी, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दूत किसे चुना गया? तो ये है दिया मिर्जा, ऑप्शन ए सही है इसका।
तो अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है प्रियंका चोपड़ा, इसीलिए इसका ऑप्शन पहला सही है। देखिए, सभी में ट्रिक नहीं बताई है, लेकिन बहुत से प्रश्नों में मैंने ट्रिक बताई है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। अगला प्रश्न है, पेप्सिको स्पोर्ट ड्रिंक्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है पीवी सिंधु, ऑप्शन पहला सही है। और अधिकतर प्रश्न उनसे ही बनता है जो काफ़ी चर्चित होते हैं, तो इसी वजह से जितने भी मैंने क्वेश्चंस में ट्रिक्स बताई हैं तो उसको आप ज़रूर याद करिएगा, बाकी जो है ऐसे आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत तो आप याद ही कर सकते हैं। अगला है, पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है विराट कोहली, ऑप्शन सी सही है। तो इसको याद कर सकते हैं, विराट कोहली पंजाब गए, विराट कोहली पंजाब गए, जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा आप लगा देंगे अपना आंसर। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य पर्यावरण के लिए वैश्विक सद्भावना दूत कौन है? तो यह है एली गेल्डिंग, गेल्डिंग, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो लास्ट प्रश्न है, बीएसएफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है विराट कोहली जी, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।